दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू लोकेशन में। दोस्तों आज हम लोग आए हैं गोरखपुर चिड़ियाघर, जिस चिड़ियाघर का नाम है शहीद अशफाक उल्ला खां पराड़ी उद्यान गोरखपुर। ये दोस्तों चिड़ियाघर नौका विहार से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इसका पार्किंग जोन है जहाँ हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ पे टिकट गाड़ी का 10 रुपया लगता है बाइक पार्किंग का। तो हम लोग यहाँ अपनी गाड़ी छोड़ देंगे। अगर हेलमेट आप लेके आ रहे हैं तो हेलमेट अपने साथ लेके चले जाएं, क्योंकि चोरी होने का हेलमेट खतरा रहता है, तो हेलमेट आप लेके चले जाएं। दोस्तों ये इसका मेन गेट है जहाँ से हम लोग चिड़ियाघर में एंट्री करेंगे। सामने जो आपको दिख रहा है ये टिकट काउंटर है। ये दोस्तों हम लोग 2 जन हैं तो टिकट लिए हैं। ये इसका 3D मॉडल है जो कि पूरा चिड़ियाघर कितने में बना है ऐसे है। दोस्तों हम लोग आ रहे हैं आगे, तो यहाँ पे आप 7D लगा हुआ है जो कि आप अंदर जाके देख सकते हैं। इसका चार्ज साढ़े 150 रुपया है और यहाँ इसका मेन गेट है जहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था है और आप अगर प्यासे हैं तो पानी पी सकते हैं। आगे ये एक सफारी दिख रही है जो जंगल सफारी है, इसका भी आप सवारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे सवारी करेंगे तो सारा कुछ कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रोड बाय रोड रोड पे चलता है और बड़े बड़े जीवों को बस दिखाता है। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है चिड़ियाघर। ये दोस्तों यहाँ से जब लोग अंदर जाएंगे तो पक्षियों के लिए ये बना हुआ है, बस ऐसे सारी पक्षियाँ शुरू हो जाएंगी। एक से जो एक पक्षियाँ हैं यहाँ पे, मदर गौरैया तोता यहाँ पे हैं, और यहाँ से अब बस चिड़िया ही चिड़िया दिखेंगी। उसके बाद सब सेंट्रल वाइज है, मतलब क्रम में है। अगर चिड़िया हैं तो बस चिड़िया मिलेंगी। देखिए यहाँ पे तोता है और फिर यहाँ पे नेट लगाया है काफ़ी और लिखा है कि वन जीवों को ना चढ़ा चिढ़ाएँ। यहाँ पे फूल तोड़ना भी मना है, अगर ऐसा आप करते हैं तो फाइन आपको लग सकता है। आप जहाँ पे लिखा हुआ कि उधर ना जाए तो वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी फाइन है। यहाँ पे भी तोता रखा गया है जो कि काफ़ी अच्छे देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे के हैं। इनका हेड है वो पीला कलर का है और बाकी बॉडी सफ़ेद है। दोस्तों टिन शेड पे और अंदर घर बनाया गया है, मकसवी डग है कि। और दोस्तों यहाँ पे हल्का हल्का पानी गिर रहा था और ये सारे लोग बहुत आराम से थे, लेकिन मौसम इतना गर्म था यहाँ पे कि इन लोग को दिक्कत हो रहा था रहने में मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत गर्मी थी। इतने ही देर में हम लोग का पूरा शर्ट भीग गया था, जितने हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा लोग थे, सबका शर्ट भीग गया था। दोस्तों यहाँ पे फिर से देसी तोता है जो हम लोग के यहाँ गाँव में होते हैं, घर पे होते हैं या फिर बगीचे में दिखते हैं। यह यहाँ पे देसी तोता है, तो ये आप लोग देखे होंगे। ये सारे मतलब देसी ही तोता है। आगे दोस्तों बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये लव बर्ड है, यहाँ पे छोटे छोटे तोते थे, बहुत बड़े नहीं थे, ये साइज में बहुत छोटे थे एकदम, मतलब बहुत छोटे छोटे। और यहाँ पे सूखा पेड़ लगाया गया जिस पे ये सब बैठ सकें और खेल सकें। ये हम लोग के साथ में कुछ लोग और थे जो कि वहीं पे मिले थे, वो हम लोग के साथ ही चल रहे थे। यहाँ दोस्तों जो यहाँ इसका गार्ड होता है वो इस मकान में रहता है। देखिए बगल में जो मकान दिख रहा है ये आपका, ये गार्ड का है और यहाँ पर भी वर्जित है कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे केव हैं, ऐसे कुछ जो चिड़िया के रहने के लिए घोंसले बनाए गए हैं। यहाँ पे अभी भी पक्षियाँ नहीं हैं, अभी शुरुआत में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पक्षियाँ नहीं हैं। यहाँ पे दोस्तों डक हैं, सारस हैं, और ये एक चिड़िया है जो मछली पकड़ती है, इसका नाम मुझे नहीं पता। और यहाँ पे लगाया भी नहीं गया है कि ये चिड़िया का क्या नाम है, तो मैं ये चीज़ बता नहीं सकता। ये चिड़िया हाफ रही थी, हालांकि पानी था लेकिन पानी बहुत गर्म रहा होगा क्योंकि बहुत धूप था। देखिए सारे एक टेबल है, उसके नीचे सारे पक्षी बैठे हुए हैं। ये चिड़िया जो आपको हाँफते हुए दिख रही है ये जस्ट अभी तालाब से निकली है।
ये वाली अभी तुरंत निकली हूँ पानी से, तो इसके वजह से हाँफ रही हो। देखिए यहाँ पे और डक है, ये डक नहीं है लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। ये कुछ बैठने की व्यवस्था, अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं पीछे। बाकी सारा कुछ सेम है। ये बहुत बड़ा है पार्क, तो ये वीडियो मेरे हिसाब से कि दो पार्ट में मैं अपलोड करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। यहाँ से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे तरफ स्टील का रेलिंग लगाया गया है। यहाँ दोस्तों ये भालू का केव है, जो कि यहाँ पे अभी भालू दिखाई नहीं दे रहा है, केव में भी नहीं है, शायद आगे मिले। ये बड़ा वाला जो केव दिख रहा है ये दोस्तों अभी खाली है, इसमें कोई जानवर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे भालू बैठा हुआ है। देखिए हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि थोड़ा कैमरा जूम नहीं कर पा रहा था तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे दो से तीन भालू हैं, सारे एक ही में सारे मिले हुए हैं, तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया कि दो थे या तीन थे, लेकिन थे दो से अधिक थे। जब जाएं तो आप ये कोशिश करें कि इस केब में देखें क्योंकि बड़े वाले में नहीं दिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप हम लोग को थोड़ा प्यास लग गया तो हम लोग पानी पीने जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सा वाटर टैंक है, यहाँ पे पानी पीने का और टॉयलेट के लिए व्यवस्था है, तो अगर आप यहाँ से निकलें तो अगर प्यास लगे तो आप यहाँ पानी पी सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर पानी और ठंडा पानी मिलता है, यहाँ से हम लोग पानी पियेंगे और फिर आगे की तरफ रवाना होंगे। दोस्तों मैं पीछे की साइड जा रहा था, ये पीछे का है, तो जब मैं जा रहा था तो यहाँ पे एक गार्ड था जो हमें बोल रहा था कि आप इधर ना आए वरना फाइन मार देंगे। फिर हम लोग वापस आ गए, वापस यहाँ से हिरन को हम जब कैप्चर कर रहे थे तो लोग यहाँ पे बोल रहा था, एक आदमी बोल रहा था कि यहाँ पे ना आए नहीं तो फाइन लगा दिया जाएगा, फाइन लगा दिया जाएगा आप पे, जिस वजह से हम लोग वापस आ गए। बगल में आपको कैंटीन दिख रहा होगा जहाँ से आप कैंटीन जा सकते हैं। यहाँ पे मे बी कि यहाँ बहुत महंगा सामान हो तो हम लोग बाहर से कुछ लेके आए थे अपना। ये सफारी लोगों को ट्रैवल करवा रही है यहाँ से वहाँ, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। इसका चार्ज मेरे पता नहीं है, अगर आप जाएं तो पता कर लें। यहाँ पे बारहसिंगा है, यहाँ पे जानवर थोड़ा कम है तो यहाँ जाने से बचें, अभी ज़्यादा है नहीं, एक आध दो साल रुक के जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घूमने का मन है ऐसे तो चले जाएं। और ये 6 बजे खुलता है सुबह, 9 बजे खुल जाता है सुबह में और 6 बजे शाम को बंद हो जाता है, सोमवार को पूर्ण रूप से बंद रहता है। यहाँ पे अभी बहुत कम जानवर हैं, एक या दो तीन ऐसे करके हैं, मतलब काउंट किया जा सकता है ऐसे जानवर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हों, बहुत ढेर सारे हों, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हैं, मतलब ऐसे कि आप गिन सकते हैं आराम से, बहुत अधिक नहीं है। और ये कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जानवर अगर हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, केव में चले गए हैं क्योंकि धूप बहुत धूप है और यहाँ पे आज इन लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है, गर्मी का सीज़न है तो आने में दिक्कत हो रहा था। दोस्तों यहाँ भी कुछ है, यहाँ जो है दो गेंडा हैं जो कि वो पीछे साइड में लोग देख रहे हैं। हम लोग इस रास्ते जब वापस गए, मतलब अंदर की तरफ गए, तो लोग वहाँ भी बोल रहे थे कि इस तरफ ना आए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग 8 से 10 लोग जाके गेंडे को सुला रहे थे और कुछ खिला रहे थे, लेकिन जब हम लोग गए तो हम लोग को मना कर रहे थे कि इधर ना आए। और यहीं फिर यहाँ भी वही हुआ कि फाइन लग जाएगा ये सारा कुछ। यहाँ का जो गार्ड था ये अदर लोगों को दिखा रहा था, शायद उसके परिचित रहे होंगे या फिर कोई बड़ा आदमी रहा होगा, नहीं पता। कुछ एक पत्रकार भी था जिसको बाद में सब उसको भी बोल रहे थे, पत्रकार को भी आगे सब पकड़ लिए थे और उसको भी सब डांट रहे थे। ये तो दो गेंडे हैं यहाँ पे जो कि हमेशा आपको नज़र आएंगे क्योंकि या तो पानी में रहेंगे या तो कभी कभार बाहर आ जाते हैं सब। यहाँ पे दोस्तों केब बहुत दूर है हम लोग के पहुँच से, यहाँ भी कुछ जानवर हैं। उठ जा भाई, देखिए हम लोग जूम करेंगे। यहाँ पे एक सियार बैठा हुआ है, मतलब ये सियार का केब है। यहाँ भी इतनी गर्मी थी दोस्तों ना कि ये सारे जानवर जहाँ के तहाँ, मतलब अपने अपने केब में जाके, शायद वहाँ ठंडा रहा होगा थोड़ा बहुत, वहाँ पे बहुत वहाँ पे जाके सब सो रहे थे,
लेकिन इतनी इतना इतना धूप था कि इन लोग को बाहर निकलना, मानो कि कैसे ये बाहर निकलेंगे, एकदम बॉडी जल रही थी। हम सफ़ेद शर्ट पहने थे, इसके बावजूद हमको इतना पसीना हो गया था कि मेरा पूरा शर्ट भीग गया था। और मैं इस पूरे ट्रिप में तकरीबन 2 से 3 बार स्टॉप लिया, तब तो जाके पूरा वीडियो कैप्चर कर पाया। यहाँ पे इतनी गर्मी थी, यहाँ पे अभी भी और यहाँ पे व्यवस्था करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक लोमड़ है बैठी हुई है, लोमड़ हाफ रही है, समझ रहे हैं, इतनी गर्मी है इसका, समझ लीजिए कि गर्मी से एकदम बेहाल हो गई है। लेकिन यहाँ पे अभी भी मतलब बहुत सारा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेड़ चाहिए या फिर कुछ ऐसा जहाँ ठंडा रहे, जहाँ पे जानवर रह सके, ये सारा कुछ व्यवस्था अभी नहीं है। यहाँ पे जितने भी जीव थे वो एकदम समझ लीजिए कि मरे हुए थे, बस कैसे जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस जी रहे हैं बेचारे। ये गिद्ध उल्टा सब उधर उधर मुंह करके बैठे थे, हिमालय गिद्ध हैं जो कि हिमालय से लाए गए होंगे। दोस्तों ये सारे पक्षी, इतनी गर्मी थी कि ये बेचारे तड़प रहे थे। अगर यहाँ पे पेड़ मोड़ थोड़ा लगा दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता, जिसके वजह से ये थोड़ा आराम पाते। लेकिन केप बना दिया गया है, एक ऊपर से एक झोपड़ी टाइप का बना दिया गया है, जिससे इन लोग को गर्मी बराबर ठंड नहीं मिल पा रही है। इतनी 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 बेहाल है लोग ना जानवर, समझ लीजिए कि गर्मी की वजह से हम लोग की हालत खराब हो जा रही थी। तो इन जानवरों की क्या बात करें हम। ये दोस्तों इमू बर्ड है, दो हैं बोल रहे ना, एक काउंटे मतलब समझ लीजिए कि गिन सके, दो तीन ऐसे करके हैं, या फिर ऐसा भी है कि यहाँ पे पूरे जानवर कहीं जा तो जानवर ही नहीं है मतलब। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो दिखाना था तो हम सोचे चले जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं थोड़ा। इस वजह से ये बेचारे मतलब सबका वही हाल है, बार बार कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इन लोग को देख कर लग रहा है कि अब भूलना पड़ेगा कि ये यार अब कुछ तो बुरा हो रहा है इन लोगों के साथ। दोस्तों जंगली कैट है, जो कि ये नॉर्मल बिल्लियों की तरह ही होती हैं जो हम लोग के घर पे होती हैं, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन ये जब बोलती हैं तो शेर की तरह इनका आवाज़ निकलता है, आपको लगेगा अगर कि शेर बोल रहा है, अगर कहीं बोल रही हैं और अगर आप नहीं देखे हैं तो लगेगा कि शेर बोल रहा है, इन लोग का आवाज़ ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ पे ये शेर का गुफा है, मतलब तेंदुआ बोल सकते हैं, तेंदुआ का गुफा है ये। इस गुफे में तेंदुआ है, सोया हुआ है, मतलब यहाँ पे जितने जानवर हैं बस सब के सब सो ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए तेंदुआ सोया हुआ है। दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, अगर ये आप पार्ट देख रहे हैं तो उसको भी अब जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे जो अदर जानवर हैं उनको कैप्चर